मैथमेटिक्स का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले यहाँ याद रखना है कि पॉलिनोमियल वहां सारी चीजें जिसमें एक वेरिएबल हो दूसरा कोफिशिएंट हो बेटा, क्या हो एक वेरिएबल और एक दूसरा कोफिशिएंट। वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ पर याद रखना है आपको हमेशा कोई नंबर रहेगा, वेरिएबल के फॉर्म में याद रखना आपको हमेशा होगा नंबर रहेगा। तो वेरिएबल और कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता बेटा पॉलिनोमियल। जैसे मैं आपको इसको समझाता हूँ वेरिएबल, जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा कि वेरिएबल के फॉर्म में हमेशा एक कोई सा नंबर रहेगा या कोई चीज भी आ सकती है, कोई सा डिजिट भी आ सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टू मल्टीप्लाई कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब बेटा कोफिशिएंट के फॉर्म में आया यहाँ पर एक्स वाई जेड, क्या होता है कोफिशिएंट के फॉर्म में जैसे मैंने लिखा यहाँ पर होता है एक्स तो इंटू बराबर हो जाएगा टू एक्स, दैट इज कॉल्ड पॉलीनोमियल। ठीक है ना, जिसमें बेटा कोई सा एक नंबर हो उसके बाद कोई सा एक कोफिशिएंट हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बेटा पॉलीनोमियल। तो क्या बेटा ये पॉलीनोमियल है? जी हाँ, ये पॉलीनोमियल। ठीक है, पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल बेटा इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है जिसमें एक नंबर हो एक कोफिशिएंट हो। एक नंबर है, एक नंबर के फॉर्म में हमेशा रखना वेरिएबल के फॉर्म में नंबर आएगा, कोफिशिएंट मतलब क्या बेटा हमेशा एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी है इस टाइप के कोफिशिएंट आएंगे। तो सर जब नंबर के अलावा कोफिशिएंट वेरिएबल नहीं हो सकते तो बेटा हो सकते हैं नंबर के फॉर्म में बेटा वेरिएबल और हो सकते बेटा, जैसे कि लाइक ए बी सी ये भी बेटा वेरिएबल हो सकते हैं। लेकिन हमको ध्यान ये रखना है कोई भी एक वेरिएबल और कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन क्या मिला था बेटा पॉलीनोमियल, क्या मिला था पॉलीनोमियल। अब पॉलीनोमियल बेटा कैसे होते हैं, जैसे मैंने बताया 2x 3y 3z इस टाइप बेटा पॉलीनोमियल है। ठीक है, अब पॉलीनोमियल में बेटा याद रखना तीन टाइप के क्या कहते हैं जो पॉलीनोमियल। ठीक है, फर्स्ट होता है बेटा लीनियर पॉलीनोमियल, क्या होता है बेटा याद रखना लीनियर पॉलीनोमियल, क्या होता बेटा लीनियर पॉलीनोमियल। सेकेंड होता है बेटा क्वाड्रेटिक 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 पॉलीनोमियल। थर्ड होता है बेटा क्यूबिक, क्या बोलता क्यूबिक पॉलीनोमियल। अब बेटा व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर पॉलीनोमियल, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्यूबिक। अब बेटा यहां पर लीनियर पॉलीनोमियल बेटा, ठीक है, अब बता रहा हूं बेटा लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर पॉलीनोमियल। लीनियर पॉलीनोमियल मतलब मीन्स क्या बेटा जिसमें की पावर वन हो वो सारे के सारे लीनियर पॉलीनोमियल्स कहलाएंगे। कितने होंगे द नंबर उस पावर इज वन इज ऑलवेज वन होना चाहिए बेटा, तो वो क्या बेटा लीनियर पॉलीनोमियल्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बेटा मैंने यहां पर कुछ इक्वेशन लिख रखी बेटा, जैसे मैंने यहां पर लिखा बेटा लीनियर का लीनियर पॉलीनोमियल बता रहा हूं बेटा मैं आपको, क्या बता रहा हूं लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है, जैसे कोई सी इक्वेशन है बेटा 2x + 3y + 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर बेसिक पावर कितनी बेटा 1 पावर 10 से लेकर 3 की पावर तक का टू 1 पावर 10 से लेकर k है, तो ये लीनियर पावर पॉलीनोमियल रहेगा बेटा, क्या रहेगा लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है, लीनियर कैसे होगा बेटा जिसकी पावर हमेशा 1 हो वो क्या होगा बेटा लीनियर पॉलीनोमियल। बात करूंगा अगर 2x² + 3y + 10 = 0 अगर मैं इसकी बात करूंगा बेटा तो यहां पर क्या लीनियर पॉलीनोमियल से नहीं सर ये लीनियर पॉलीनोमियल नहीं है, क्यों बेटा बिकॉज यहां पावर मैक्सिमम पावर कितनी बेटा 2 है, तो इसका मतलब क्या है बेटा हम यहां पर लीनियर पॉलीनोमियल को कैसे पता करेंगे बेटा जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है वो एक लीनियर पॉलीनोमियल होता है बेटा, इसको बोलते बेटा 1 डिग्री ऑफ इक्वेशन भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा 1 डिग्री ऑफ इक्वेशन मतलब 1D इक्वेशन भी बोला जाता है इसको।
और इसको बेटा 2 डिग्री ऑफ इक्वेशन और ये 3 डी इक्वेशन होती बेटा, क्या 3 डी। अब बेटा क्या लीनियर इक्वेशन इस टाइप की होती बेटा, लीनियर इक्वेशन कैसे होती बेटा, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए। जैसे और एग्जांपल के लिए जैसे मैंने यहां लिखा 3x + 4y + 15 = 0, ये क्या बेटा लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, 1 डिग्री इक्वेशन भी बोल सकते हैं बेटा इसको। अब बेटा व्हाट यू मीन बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलीनोमियल में पॉलीनोमियल बेटा क्या पूछते हैं मां बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक में बेटा क्या है इसको बेटा 2 डिग्री ऑफ इक्वेशन बोला जाता है, क्या बोला जाता है 2 डिग्री ऑफ इक्वेशन, और ये क्या बेटा 1 डिग्री ऑफ इक्वेशन, जो बेटा मैक्सिमम पावर कितनी होती है 1 होती है और इसमें क्वाड्रेटिक। अब यहां बेटा क्या है नेम के हिसाब से बेटा 2 डिग्री ऑफ इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए बेटा मैंने इक्वेशन दे रखी है x² + 4x + 10 = 0, तो यहां पर बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता नहीं चलेगा बेटा क्योंकि उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, कितनी बेटा मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहां पर क्या बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। एक और इक्वेशन देखिए बेटा 2x² + 4x + 8 = 0, तो यहां पर बेटा ये कौन सी इक्वेशन रहेगी, यहां पर ये भी बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, क्यों बेटा बिकॉज ऑफ पावर, क्या बेटा बिकॉज ऑफ पावर, पावर के अकॉर्डिंग बेटा हम क्या करेंगे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन वो सारे इक्वेशन की बेटा जिसके अंदर बेटा कितनी पावर आएगी 1 पावर होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या बेटा जिसके अंदर 2 पावर होना चाहिए, ठीक है, तो इस टाइप की। तो बेटा पता चल गया होगा कि क्यूबिक इक्वेशन किसको बोलते हैं बेटा, व्हाट इज क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक, तो क्यूबिक आपको समझ आ गया होगा बेटा पॉलीनोमियल क्या होता है, जिसमें बेटा एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो, जैसे ये कोफिशिएंट है, तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होगा बेटा क्यूबिक पॉलीनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन या पॉलीनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन क्या होगा बेटा क्यूबिक मतलब बेटा कैसा क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन मतलब कैसा बेटा क्यूबिक पॉलीनोमियल, इसमें की पावर कितनी होगी बेटा 3 होगी, 3 पावर होगी, तो यहां पर लिखा हुआ है 3x³ + 3x + 9 = 0, यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा, यहाँ पर मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 है, ठीक है ना। इसके बाद में एक सेकंड बेटा, एक जगह थोड़ी सी रहती होगी बेटा, यहाँ पर पॉलीनोमियल में एक कोई भी चीजें रहेगी, पॉलीनोमियल कोई भी चीज मतलब 2x होगी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर अगर कोफिशिएंट ज्यादा रहते हैं इसका मतलब क्या है 3y और ये आगे आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हुआ है दूसरे का कोफिशिएंट प्लस माइनस में होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा इक्वेशन के लाइक हो, ठीक है, तो यहाँ पर सारे पॉलीनोमियल के बाय इक्वेशन लगा दीजिएगा। इक्वेशन की बात कर रहे हैं बेटा, इक्वेशन की क्योंकि दो से ज्यादा पॉलीनोमियल बेटा इक्वेशन की बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पर ये सारे सारे इक्वेशन की बात कर लीनियर इक्वेशन, पता चलेगा ना इक्वेशन की सूरत में जैसे दो या दो से ज्यादा पॉलीनोमियल एक साथ एडिशन या सबट्रैक्शन में आते हैं, इसमें बेटा एडिशन या सबट्रैक्शन में आते हैं, वो इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन की बात करें यहाँ पर इक्वेशन, ठीक है। अब क्यूबिक इक्वेशन की बात करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होना चाहिए 3 होना चाहिए, क्यूबिक मतलब बेटा 3, क्यूबिक इक्वेशन कैसे बेटा वो सारी की सारी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो 3 हो, और बेटा याद रखना मैक्सिमम पावर काउंट करना बेटा, ऐसा नहीं कि 3, 2, 5 ऐसा नहीं करना है, मैक्सिमम पावर किसी एक पॉलीनोमियल में मैक्सिमम पावर काउंट करना हमको यहाँ पर 3 पावर आती है, ठीक है। अभी यहाँ पर इसकी और एक और एग्जांपल लेते हैं 4x³ + 3x + 2x + 10 = 0, ये सारी संख्या बेटा क्यूबिक पे जो इस उत्तर में आइडेंटिफाई करना है आपको, जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है तो यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन, यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है तो यहाँ पर क्या बेटा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कैसे कैसे होता है, ठीक है, इसका एक और फॉर्म बताओ बेटा इक्वेशन इनका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताता हूँ यहाँ पर देखिएगा, जो लीनियर इक्वेशन है बेटा क्या बेटा लीनियर इक्वेशन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा ax + by + c = 0, इसका होगा बेटा ax² + by
प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और यहां पर क्यूबिक फीट लिखा हुआ बेटा ए एक्स क्यू प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। यहां पर ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्यूबिक इक्वेशन का। ना अब पता चलिए बेटा आपको इसमें टाइप के पॉलीनोमियल क्या होता है, कितने टाइप के पॉलीनोमियल होते हैं, इक्वेशन किसको बोलते हैं बेटा, ये सारी की सारी चीजें ठीक है। अब बात करते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने तरह के मेथड का यूज किया जाता है, कितने तरह की मेथड यूज होती है। तो बेटा लीनियर इक्वेशन के लिए आपके ये भी टॉपिक है बेटा, इस पूरे टॉपिक को लेकर आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगी। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास में लगभग चार फोर मेथड होती है, चार मेथड। तो मैं आपको जो मेन मेथड है वो बताना चाहता हूँ ठीक है। तो बताता हूँ पहली मेथड होती है बेटा लीनियर इक्वेशन के लिए, ये बेटा लीनियर इक्वेशन के लिए ठीक है। पहली मेथड होती है बेटा जैसे बताऊँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड होती बेटा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड है बेटा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ये लीनियर इक्वेशन बेटा तीन मेथड यूज करते हैं, जो रैंडम चीजों में यही आती है ठीक है। कौन कौन से बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड ठीक है। इसके बाद लीनियर इक्वेशन भी आ जाएगा, इसमें होता क्या है बेटा ये सब चीजें मैं आपको आगे वाले टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन बस यहां से इतना तैयार हो गया आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बेटा दो मेथड होती है, एक होती है बेटा आज फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड होती है बेटा फैक्टराइजेशन, सेकेंड बेटा जिसके फैक्टराइजेशन हो जाते हैं उसको फैक्टराइजेशन करते हैं। सेकेंड होती है बेटा धराचारी मेथड, कौन सी बेटा धराचारी मेथड ठीक है। तो यहां पर और लगने की मेथड होती है बेटा, तो मैंने आपको आज के दिन क्या बताया बेटा कि सबसे पहले पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलीनोमियल्स के बाद में ऐसी चीजें जैसे कि वेरिएबल और मल्टी वेरिएबल होता है बेटा ऑप्शन का मल्टीप्लिकेशन कहलाता है बेटा, वेरिएबल के अगर पॉलीनोमियल कहलाता है, और दो या दो से अगर दूसरी पॉलीनोमियल सबट्रैक्शन में एडिशन होंगे तो उसको इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन किस टाइप की होती है बेटा, तीन टाइप की इक्वेशन होती है, तीन टाइप की लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। देखा अगर आइडेंटिफाई कैसे करते बेटा, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो वन हो उसको बोलते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो बेटा टू। और बेटा ये लीनियर इक्वेशन को वन डिग्री ऑफ इक्वेशन बोला जाता है, क्वाड्रेटिक बोला जाएगा बेटा टू डिग्री ऑफ इक्वेशन, क्यूबिक बेटा जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो थ्री हो उसको क्यूबिक इक्वेशन बोला, थ्री डिग्री इक्वेशन जो होती है बेटा। अभी तो सॉल्व करने के बेटा दो मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशन के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्वाड्रेटिक के लिए बेटा फैक्टराइजेशन मेथड और धराचारी मेथड होती है ठीक है। तो यहाँ तक के लिए बस पॉलीनोमियल इतना होते, बाकी यहाँ पर ये मेथड जो भी है इनको एक्सप्लेनेशन करेंगे खुद से।